ये विजुअल मैजिक प्रो का मेनू एरिया है। विजुअल मैजिक प्रो का जो मेनू है वो कैटेगराइज किया गया है मेनू ग्रुप्स में। ये विजुअल मैजिक प्रो के मेनू ग्रुप्स हैं डेटा मेंटेनेंस, रिपोर्ट्स, MIS यानी कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, वैल्यू एड ऑन्स और टूल्स एंड यूटिलिटीज। हर एक मेनू ग्रुप के अंडर उसका एक अपना मेनू बना हुआ है। अभी आप फिलहाल देख रहे हैं डेटा मेंटेनेंस का मेनू, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा मेंटेनेंस सिलेक्ट कर रखा है। अगर मैं रिपोर्ट का मेनू सिलेक्ट करूंगा तो मुझे सिर्फ यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे रिपोर्ट्स का मेनू एक्टिव स्क्रीन पे आ जाएगा। सिमिलरली MIS का मेनू पे, MIS के बटन पे क्लिक करने पे ये MIS का मेनू आ गया। ये है वैल्यू एड ऑन्स का मेनू और ये है आपका टूल्स एंड यूटिलिटीज का मेनू। तो चलिए समझते हैं मेनू को किस तरह से यूज किया जाए। हम उदाहरण लेंगे डेटा मेंटेनेंस का। तो डेटा मेंटेनेंस में मैंने क्लिक कर दिया तो ये डेटा मेंटेनेंस का जो मेनू इधर आ गया है, इसके अंदर हमने देखा कि ये 6 आइटम्स इधर लिस्ट हुए हैं। लेकिन ये जो 6 आइटम हैं, ये 6 मेन ब्रांचेस हैं मेनू के। मैं इसे क्यों ब्रांच कह रहा हूं, क्योंकि इसके अंडर भी मेनू आइटम्स, इसके नीचे मेनू आइटम्स अवेलेबल हैं। वो हमें पता चलता है इस प्लस साइन से। जब आप इस लेफ्ट में प्लस साइन देखेंगे, इसका मतलब है ये मेनू का ब्रांच है और इसे क्लिक करने पे ये ब्रांच ओपन हो जाता है और उसके अंडर आपको मेनू के आइटम्स नजर आते हैं। जैसे मैंने अभी क्लिक किया मास्टर डेटा और उसके अंदर आपने देखा इतने सारे आइटम्स यहाँ पे लिस्ट हो गए। अब मैं इसे फिर से क्लिक करूंगा तो ये मास्टर डेटा का ब्रांच क्लोज हो जाएगा। और अगर मैं पॉलिसी का ब्रांच ओपन करना चाहता हूं तो यहां पे क्लिक कर दिया तो ये ओपन हो गया। अब एक बार जब मैंने ये ब्रांच ओपन कर दिया और ये मेनू आइटम्स इधर नजर आ गए, अभी मुझे इसमें से कोई भी फीचर इस्तेमाल करना है तो उसके ऊपर क्लिक करना है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं पॉलिसी का फॉर्म ओपन करना चाहता हूं डेटा एंट्री करने के लिए, तो मैं ये पॉलिसीज के ऊपर क्लिक कर दूंगा और ये मेरा सामने पॉलिसीज का फॉर्म ओपन होके आ गया। इससे मैं क्लोज कर देता हूं अभी। उसी तरह से आप किसी भी टाइप का आइटम अगर आप यूज करना चाहते हैं, किसी भी टाइप का फीचर यूज करना चाहते हैं, तो आप उसका मेनू ब्रांच को लोकेट कीजिए और उसे ओपन करके उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर क्लिक कर लीजिए। मेनू सिस्टम में हमारा बहुत एक और बढ़िया फीचर है जो है माय फेवरेट्स। जो आप फीचर डे टू डे रेगुलरली यूज करते जा रहे हैं, जो आपको रोज मरोज इस्तेमाल करने में काम में आने वाला है, उसे आप फेवरेट्स में डाल सकते हैं। क्योंकि विजुअल मैजिक प्रो का जो मेनू सिस्टम है इसमें हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स हैं और उसमें से कभी कभी आपको लोकेट करने में टाइम लग सकता है और कभी कभी आपको उसमें दिक्कत आ सकती है। आपको याद नहीं रहेगा कि कहाँ पर वो मेनू आइटम लिस्टेड है। तो जो जो आप डेली यूज करते हैं वो आइटम आप कन्वीनियंटली अपने फेवरेट्स के मेनू में डाल सकते हैं। यहां आप सामने जो देख रहे हैं ये फेवरेट्स मैंने अपना खुद का बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये मेरे रेगुलर आइटम जो मैं यूज करना चाहता हूं वो मैंने डाल रखे हैं। अभी आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि मैं अपने खुद के फेवरेट आइटम्स कैसे कॉन्फिगर करूं। उसके लिए आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा फेवरेट्स के कॉन्फिगरेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। अगर आप गौर करें तो आप देखिए यहां पे 2 टेबल बने हैं, अवेलेबल आइटम और सिलेक्टेड आइटम। सिलेक्टेड आइटम में जो लिस्ट नजर आ रही है और ये जो लिस्ट नजर आ रही है वो सेम है। इसका मतलब है फिलहाल जो भी मैंने आइटम यहां पे सिलेक्टेड में नजर आ रहे हैं वो मेरे फेवरेट्स में ऑलरेडी मौजूद है। अवेलेबल आइटम यानी कि बाकी के जो आइटम है, जितने भी मेनू आइटम्स यानी कि जितने भी फीचर्स हमारे विजुअल मैजिक प्रो के मेनू में है, वो आपको ये अवेलेबल आइटम में मिल जाते हैं। अभी अगर मैं अपने इस मेनू को चेंज करना चाहता हूं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि डिविजन्स की डेटा एंट्री मुझे फेवरेट्स में नहीं चाहिए क्योंकि ये रोज मैं नहीं यूज करता हूं, तो मैंने डिविजन पे क्लिक किया और इस बटन पे क्लिक कर दिया तो ये यहां से निकल के इस तरफ आ गया। सिमिलरली मैं चाहता हूं कि यहां पे से मैं समझो कि CRM ग्रुप्स मास्टर डेटा एंट्री चाह रहा हूं कि वो फेवरेट्स में आ जाए, तो उसे मैं यहां पे मूव कर सकता हूं। तो यहां पे आपने देखा CRM ग्रुप्स मास्टर एंट्री। और अभी दूसरी चेंज में जो ये चाह रहा हूं कि जो CRM सेंटर है इसे मैं ऊपर से तीसरा आइटम बनाना चाहता हूं, यानी कि इसे मैं इधर लाना चाहता हूं। तो ये CRM सेंटर पे क्लिक किया और इस बटन पे क्लिक करते जाऊंगा जब तक ये CRM सेंटर चढ़ के तीसरे पादान पे पहुंच गया। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये हमारे अनुसार
ये हमारा मेनू सेट हो गया। जो आइटम मुझे चाहिए थे मैं इस तरफ ले आया, जो आइटम मुझे नहीं चाहिए थी मैं उसे इस तरफ ले आया, और जो आइटम को मुझे सीक्वेंस में अप डाउन करना था वो मैंने इस बटन के साथ में उसे अप डाउन कर दिया। जब आपका मेनू आपके अनुसार फाइनल हो जाए तब आपको सिर्फ ये सेव का बटन दबाना है और ये आपका मेनू सेट बन गया। और अभी फिर से अगर आप देखेंगे फेवरेट्स, तो आप देखिए सीआरएम सेंटर मेरा आ गया तीसरे नंबर पे, और ये जो नया आइटम मैंने ऐड किया था वो इधर आ गया, और डिवीजन जो पहले था वो यहां से निकल गया। तो इट इज एज सिंपल एज दिस, आप फेवरेट्स का मेनू बहुत ही क्विकली सेट कर सकते हैं। एक और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूजफुल फीचर हमारे मेनू सिस्टम का ये है कि आपको कोई भी मेनू आइटम को लोकेट करने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने इधर सर्च का फीचर डाल रखा है। अभी आप जैसे जान रहे हैं यहां पे 5 ग्रुप्स बने हुए हैं, हर एक ग्रुप के अंदर इतने सारे ब्रांचेज हैं, हर एक ब्रांच के अंदर इतने सारे आइटम हैं, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो फीचर चाहिए वो आपको पता नहीं है कि वो कौन से मेनू में आता है, कौन से ग्रुप में पड़ता है। तो आपको उसके लिए कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सर्च पे क्लिक कीजिए और यहां पे आप उस मेनू फीचर का पूरा या आधा नाम भी डाल देंगे तो वो सर्च होके आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि मुझे बिजनेस मॉनिटर का फॉर्म ओपन करना है, तो मैंने इधर डाल दिया बिजनेस और यहां पे मैं क्लिक कर देता हूं सर्च बटन पे। तो जितने भी मेनू आइटम है जहां पे ये बिजनेस वर्ड मौजूद है वो यहां लिस्ट हो गए, और यहां पे आप देख रहे हैं बिजनेस मॉनिटर इधर सामने आ गया, ये क्लिक किया और ये आ रहा मेरा बिजनेस मॉनिटर। सो फ्रेंड्स, ये इतना आसान सिस्टम है जो कि आप चंद मिनटों में समझ सकते हैं, और इस मेनू सिस्टम के थ्रू आप हमारे सॉफ्टवेयर के कोई भी आइटम को, कोई भी फीचर को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।